अच्छा, मैं कराची यूनिवर्सिटी आया हुआ था। मेरी यहाँ से अभी भी तालीम से मैं वाबस्ता हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत अरसे के बाद ये रजा भाई हैं, इनकी स्टेशनरी की शॉप है और मुझे एकदम से रिकॉल हुआ। मैंने इनको देखा, मैं इनके पास आया, पैगाम अमन चल रहा था IPMSO का। उस दौरान हुआ ये कि इनसे हमारी एक बड़ी याद वाबस्ता है। जब हमारे इब्तदाई दिन थे, हम जर्नलिज्म मैस कम्युनिकेशन में पढ़ रहे थे, तो हमें ख्याल आया कि हम जमीमा निकालें। वो जमीमा जब हम निकाल रहे थे, हमारे पैसे नहीं होते थे इतने ना, क्योंकि उसको प्रिंट करवा के हमें बांटना पड़ता था। तो रजा भाई की हमारी मुलाकात हुई, रजा भाई से हम, तो रजा भाई हमें फ्री में जो है ना वो प्रिंट आउट करके देते थे। आज रजा भाई इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके, यार यकीन करें कि हमें एकदम से मुझे वो रिकॉल हुए और आज मैं एक चैनल से वाबस्ता हूँ। तो मैं जो पुराना एकदम से जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने कोशिश की थी यार, एक जमीमा निकाले, झलकिया नाम था उसका, और उसके अंदर हम लिखते थे छोटी छोटी चीज़ें, तो बहुत बहुत अच्छा लगा यार। आप क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह पाक हमारे छोटे भाई को ज़िंदगी दे, सेहत दे। इन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत मेहनत की, आज अल्लाह ने जो इन्हें मुकाम दिया है, मैं कहता हूँ मेहनत करना, जो मेहनत करता है अल्लाह उसको अजर देता है और उसका मुंह बोलता सबूत ये मेरा छोटा भाई अली रज़ा है और मेरा नाम भी मोहम्मद रज़ा खान है। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे। मैं कहूँगा कि अल्लाह इसको ऐसा वक्त लाए कि ये चैनल अपना बनाए और फिर मैं जाकर वहाँ जाकर यही दोबारा इंटरव्यू रिपीट करूँ। ये मेरे क्या बात है यार, खुशी की बात है और मेरे आंसू निकल रहे हैं कि अल्लाह इसको इतना रिजक दे, इतना दे कि हमारे तो बच्चों की तरह छोटा भाई भी है, कि इतना रिजक दे कि रख रख के भूले पैसे। जजाकल्ला यार, बड़ी पुरानी यादें मैं बता दूँ, उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमें याद है अच्छी तरह, और हम इनके पास जाते थे, यार रजा भाई अभी पैसे नहीं, बात में नहीं। रजा भाई कहते थे यार डालो, कोई मसला नहीं है, बांटो तुम जो जो लिख के जो जो दे रहे हो। वो हमारा पहला बिगनिंग था और उस पर ये शक खड़ा हुआ है। मुझे आज बड़ी दिल से खुश हो रही है। थैंक यू यार रजा भाई।